स्वास्थ्य विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ में मीजल्स रुबेला को शत प्रतिशत नियंत्रण के लिए पोलियो टीकाकरण अभियान के तर्ज पर मीजल्स रुबेला टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। और इस टीकाकरण अभियान को लेकर स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने यहां पर खास बातचीत की है हमारे स्टेट हेड आरके गांधी ने। टीकाकरण अभियान, इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में 9 मास से लेकर 15 साल के बच्चों तक को टीका लगाना है और तमाम तैयारियां हैं। हमारे साथ में स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह मौजूद हैं। मैडम, अगर समझा जाए इस अभियान को, ये अभियान काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी आ रही है। लोगों में अभी भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको मालूम नहीं है और वो अपने बच्चों को इस टीका से दूर रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसमें किस तरह की तैयारी है आप? जी, हम पिछले 1-1.5 माह से इसमें, सबसे पहले मैं बतला दूं जो हमारे जो डेवलपमेंट पार्टनर्स है यूनिसेफ WHO हमें इसमें मदद कर रहे हैं और 1-1.5 माह से हम इसमें जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। गांव-गांव में हम जाके लोगों से बात कर रहे हैं, सभी धर्म के प्रमुख हैं उनसे बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, प्रेस में भी इसके बारे में हम जागरूकता बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो स्वास्थ्य अमला है, PHC, CHC, सब हेल्थ सेंटर, हर जगह इसके लिए हम कैंपेनिंग मोड में आके कर रहे हैं। इसमें एक बात ये भी समझना जरूरी कि ये टीका क्यों महत्व रखता है, क्योंकि लोगों को ये जानना है कि आखिर ये टीका लगाने से बच्चों को, क्योंकि ये दो बीमारी ऐसी बीमारी है जो पूरे विश्व में केवल एक खतरनाक स्टेज में था, बहुत कुछ इस पर सफलता हासिल की गई है, इंडिया में इसकी क्या स्थिति है? हम बहुत पहले से मीजल्स वैक्सीन को टीकाकरण प्रोग्राम में, सरकारी टीकाकरण प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं, लेकिन अभी रुबेला वैक्सीन को भी मीजल्स वैक्सीन के साथ हम टीकाकरण प्रोग्राम में शेयर कर रहे हैं। ये 9 से 15 साल के बच्चों को दे रहे हैं। इस उम्र में बच्चा रुबेला और मीजल्स से प्रभावित होने का चांसेस ज्यादा होता है, उनमें इसका प्रतिरोधक शक्ति कम होती है। और रुबेला ऐसा एक वायरस है जिसकी वजह से सैकड़ों बच्चों की जान जाती है या डिफॉर्मिटीज उनमें होती है। अगर ये वैक्सीन समय पर हम लगा दें तो हमारे लाखों बच्चे बच जाएंगे और एक स्वस्थ जीवन यापन कर पाएंगे। इस टीकाकरण से समझा जाए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि IMR रेशियो में काफी अच्छी सफलता हासिल हुई है छत्तीसगढ़ को, इस टीकाकरण अभियान के बाद में सफल हो जाता है 100%, तो आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति थी वो और बेहतर होगी? जरूर, लेकिन ये भी मैं बतला दूं, ये टीकाकरण वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये तो हम पहली बार कर रहे हैं इसीलिए 9 महीने से 15 साल के बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो रेगुलर टीकाकरण का प्रोग्राम है उसमें ये शामिल होएगा। ओवर ए पीरियड पूरा कम्युनिटी में प्रतिरोधक शक्ति हो जाएगा। इसमें अगर कुछ पॉकेट्स में ये वायरस रह जाए फिर वो संक्रमण का चांसेस होता है, इसलिए पूरे के पूरे कम्युनिटी को हमें ये वायरस फ्री कराने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम 1 माह में, 1 दिन में या 1 साल में नहीं बता पाएंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका असर दिखेगा। आपसे एक आखिरी सवाल, कमिटी में जो एलिट क्लास के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं एतराज जता रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप बिल्कुल नहीं जता रहे, बहुत लोग आपके जैसे लोग हमारे साथ आ रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम एक कैंपेन में आगे जाएंगे, टीकाकरण शुरू करेंगे, मेरे ख्याल से जागरूकता बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा और लोग और भी हमारे साथ इसमें जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए इस अभियान को लेकर। तो कहीं ना कहीं इस अभियान के तहत में जो सरकारी अमला है इस अभियान को सफल बनाने में लगा है और इसके जरिए कहीं ना कहीं इससे मीजल्स और रुबेला से एक निजात छत्तीसगढ़ को मिल सकता है। कैमरामैन DK सिन्हा के साथ आपके गांधी साधना न्यूज।